आप सोच रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेल्फी ले रहा हूँ भाई। क्या आपको भी सेल्फी लेना पसंद है? अगर आपको सेल्फी लेना पसंद है तो आइए जानते हैं सेल्फी के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। तो जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखते रहें। हेलो फ्रेंड्स, सीखो और समझो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सेल्फी के बारे में। क्या आप लोगों को सेल्फी लेना पसंद है, वो भी अलग अलग तरीके से, ग्रुप में, सिंगल, अलग अलग पोज पे, अलग अलग स्टाइल से ये सेल्फी लेना आपको पसंद होगा? हाँ जी, आज बात करेंगे हम लोग सेल्फी के बारे में। कुछ सेल्फी मेरे यहाँ पे चल रहे हैं, मेरे ही सेल्फीज दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो आज के समय में सेल्फी से ज़्यादा चर्चा शायद ही किसी और की होती होगी। सोशल मीडिया पर आपको ढेरों सेल्फी देखने को मिलेगी, और अगर आप ज़िंदगी में इसी स्पीड से सेल्फी लेते रहे तो लगभग 25,000 सेल्फी आप ले लेंगे, और कहीं उससे ज़्यादा। ये तो एक एवरेज ही बता रहा हूँ मैं। अगर आपका जन्म सन 1980 के बाद हुआ है और बूढ़े होने तक सेल्फी लेने के प्रति आपका लगाव बना रहा, तो आप अपनी ज़िंदगी में 25,000 से ज़्यादा सेल्फी ले चुके होंगे। यह बात एक ताज़ा रोचक अध्ययन में सामने आई। अध्ययन में कहा गया कि 95% लोगों ने कम से कम एक सेल्फी ज़रूर ली है। सेल्फी लेने की बढ़ती लोकप्रियता के साथ अपने पूरे जीवन में वे 25,676 सेल्फी ले चुके होंगे। अध्ययन करने वाली कंपनी के अधिकारी डेवन ब्राउन के मुताबिक, किसी भी फेसबुक पेज, ट्विटर फीड या इंस्टाग्राम खाते में झांकने पर से पता चल जाता है कि मिलेनियल्स 1980 के बाद जन्मे लोग अपने जीवन की सेल्फी के माध्यम से बयां करते हैं, और उन्हें ये सेल्फी साझा करने में विशेष लुत्फ आता है। मिलेनियल्स के अलावा ज़्यादातर लोग अपनी यात्रा या अपने किसी भी खास पल के दोस्तों और परिवार के सेल्फी के माध्यम से बयां करते हैं। अब देखिए, आजकल चेहरे के हाव भाव कैसे होते हैं सेल्फी लेने से पहले, अलग अलग तरीके का चेहरे का भाव बनाया जाता है। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि 50% से अधिक लोग सेल्फी लेने से पूर्व अपने बाल संवारते हैं। 53% से अधिक लोगों ने स्वीकार किया कि वे शीशे में खुद को निहारते हैं। 47% लोगों ने माना है कि वे सेल्फी के लिए अपने चेहरे के हाव भाव को अभ्यास भी करते हैं। डेमन ने कहा है कि अपना प्रभाव जमाना महत्वपूर्ण है, चाहे वह अपनी पहचान के लोगों के साथ शेयर की गई सेल्फी का मामला हो या कोई ईमेल। 1,000 अमेरिकियों पर किए गए इस अध्ययन में यह भी ज्ञात हुआ है कि एक छात्र सेल्फी लेने में अमूमन 7 मिनट लेता है, और सोशल मीडिया पर लोग अपने सेल्फी को दूसरों के द्वारा डाले जाने पर पसंद नहीं करते हैं। आमतौर पर लोग सेल्फी लेना और उसे साझा करना पसंद करते हैं, लेकिन एक अध्ययन में ये बात सामने आई है कि कोई और उन्हें सोशल मीडिया में डाले यह बात उन्हें रास नहीं आती। जर्मनी में लुडविंग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक के शोधकर्ताओं ने लोगों की सेल्फी लेने और उसे देखने के लोगों के इरादे और निर्णय को जानने के लिए कई देशों में ऑनलाइन सर्वेक्षण किया। शोधकर्ताओं ने पाया कि 77% लोग नियमित तौर पर सेल्फी लेते हैं और अपनी सेल्फी को दूसरे के मुकाबले ज़्यादा विश्वसनीय मानते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ की अगर अधिकता हो जाए तो वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है। तो आजकल सेल्फी का जो एडिक्शन होते जा रहा है, वो कैसे एक मानसिक बीमारी बनती जा रही है, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो अब आप में से बहुत लोगों ने यह शब्द पहली बार सुना होगा, किल्फी। बल्कि इसे किल और सेल्फी को मिलाकर बनाया गया है, इसलिए इसको बोलते हैं किल्फी। सेल्फी लेने की आदत मौत की वजह बनती जा रही है। अभी हाल ही में 2 लड़कों की मौत हो गई। इनकी उम्र 14 साल और 15 वर्ष थी। ये दोनों रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेने पहुंचे हुए थे। इनका नाम था शुभम और यश, और ये सेल्फी लेते वक्त इतने मशगूल हो गए कि इनको पता भी नहीं चला कब ट्रैक पर ट्रेन आ गई और ये ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। इन दोनों बच्चों की मौत के साथ एक बार फिर सेल्फी के दुष्प्रभावों पर चर्चा शुरू हो गई है, और कुछ लोग सेल्फी पर बैन लगाने की मांग भी कर रहे हैं। शायद आपको पता नहीं होगा कि सेल्फी से होने वाली मौतों का मामला हमारे देश की संसद में भी उठ चुका है। अप्रैल 2016 में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर KP रामलिंगम ने सरकार से सवाल पूछा था कि देश में सेल्फी से बढ़ रही मौतों को रोकने के लिए क्या सरकार कोई खास दिशा निर्देश दे रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पर गृह मंत्रालय ने जवाब दिया कि सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, और ना ही भारत सरकार के पास ऐसी मौतों को रोकने के लिए दिशा निर्देश बनाने का कोई प्रस्ताव है। अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी ने हाल ही में एक रिसर्च किया था जिसका शीर्षक था मी माई सेल्फ एंड माई किल्फी। इस रिसर्च के मुताबिक मार्च 2014 से लेकर
सितंबर 2016 तक दुनिया भर में सेल्फी लेते वक्त 127 लोगों की मौत हुई है और कई घायल हुए हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा लोगों की मौत भारत में हुई है। मार्च 2014 से लेकर सितंबर 2016 तक भारत में सेल्फी लेते वक्त 76 लोगों की मौत हुई है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है, जहां इस समय के दौरान 9 लोगों की मौत हुई है। सवाल यह है कि सेल्फी एक मानसिक बीमारी कैसे बन गई है। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर ऐसा माना जाता है कि आपकी तस्वीर पर जितने ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे, आप उतने अधिक लोकप्रिय होंगे। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि सोशल मीडिया के इसी ट्रेंड की वजह से लोग तमाम खतरे उठाकर सेल्फी लेते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सोशल मीडिया पर तस्वीरें तो सभी पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन लोग आपको तभी महत्व देंगे जब आपने कुछ अलग किया होगा। इसी मानसिकता का शिकार होकर लोग खतरनाक जगहों पर सेल्फी लेना पसंद करते हैं, लेकिन ये ट्रेंड लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। अमेरिका की ओहायो यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में मुताबिक जो लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा सेल्फी पोस्ट करते हैं, वो अहंकार और मनोरोग से पीड़ित होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में हर दिन 10 लाख से ज़्यादा सेल्फीज ऑनलाइन पोस्ट की जाती है। वर्ष 2014 के दौरान ब्रिटेन में 1.2 अरब सेल्फी ली गई थी। 2015 में गूगल फोटोज़ में 24 अरब सेल्फी अपलोड की गई थी। सेल्फी लेने वालों में 30% लोगों की उम्र 18 से 24 वर्ष के बीच की होती है। स्टेटिस्टा के मुताबिक सेल्फी के लिए सबसे पसंदीदा शहर लंदन है, जहां दुनिया की 14% से ज़्यादा सेल्फी ली जाती है। दुनिया भर में सेल्फी लेने के मामले में महिलाएं पुरुषों से बहुत आगे हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में पुरुषों के मुकाबले 80% महिलाएं सेल्फी लेती हैं। टाइम मैगजीन के एक रिसर्च में पता चला है कि मनीला के पास मकाती नामक जगह अपनी आबादी के अनुपात में सबसे ज़्यादा सेल्फी लेता है। ये आंकड़ा 1 लाख की आबादी पर 258 सेल्फी का है। स्टेटिस्टा के रिसर्च के मुताबिक 34% लोग अपने परिवार के साथ सेल्फी लेना पसंद करते हैं, जबकि 29% लोगों को अपने दोस्तों के साथ सेल्फी लेना पसंद है। 19% लोग बिल्डिंग के साथ सेल्फी लेना पसंद करते हैं और 13% लोगों को पालतू जानवरों के साथ सेल्फी लेना पसंद है। एक लिमिट पे सेल्फी लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सेफ तरीके से भी सेल्फी लेना चाहिए। कोई भी नदी में जाके, पहाड़ में जाके, हाइट पे, या फिर गलत तरीके से रेलवे ट्रैक पर जाके, समुद्र में जाकर, काफ़ी लोग इसके चक्कर में सेल्फी की वजह से मारे जा रहे हैं। कुछ लोग हाइट पे जा रहे हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड बना रहे हैं भालू के साथ, कुछ लोग सार के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, कोई सांप के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो ये जो सेल्फी लेना है वो खतरनाक और गलत साबित हो सकता है। इसके लिए मुंबई में नो सेल्फी जोन भी बनाया गया था और रसिया में भी नो सेल्फी जोन घोषित किया गया है। उस एरिया पे सेल्फी लेना बिल्कुल ही मना है। तो इस तरह से सरकार को इसके प्रति भी जागरूक होना चाहिए और नो सेल्फी जोन और कहाँ सेल्फी लेना चाहिए उसकी गाइडलाइंस तैयार करनी चाहिए। रूस में ये गाइडलाइंस तैयार किए गए हैं। और इसके साथ साथ ये तो सेफ रहने का तरीका है, अगर सेल्फी ले रहे हैं तो सेफ तरीके से लें। दूसरा इसका पक्ष ये आता है कि सेल्फी का हमारे बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो अगर आप ज़्यादा सेल्फी लेते हैं तो उसके लिए सावधान हो जाइए, क्योंकि स्किन डॉक्टरों की गाइडलाइन के मुताबिक स्मार्टफोन से निकलने वाली रेडिएशन और लाइट आपके चेहरे पर झुर्रियों को निमंत्रण दे रही है, जिससे आपके चेहरे पर जल्दी बुढ़ापा आ सकता है। यूनाइटेड किंगडम की लीनिया स्किन क्लिनिक के मेडिकल डायरेक्टर सिमोन जोगी का कहना है कि सेल्फी लेते वक्त हम जिस हाथ से अपना स्मार्टफोन पकड़ते हैं और फेस की जिस तरफ से ज़्यादा सेल्फी लेते हैं, चेहरे का वह हिस्सा जल्दी बेकार होने लगता है। इतना ही नहीं, हमारी फ़ोन स्क्रीन से आने वाली ब्लू लाइट हमारी स्किन को पूरी तरह से क्षति पहुंचा रही है, जिसका बड़ा दुष्परिणाम चेहरे पर जल्दी झुर्रियां आना भी है। चलिए आज कुछ खास सेल्फी देख लेते हैं। ये है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी, जो करीना कपूर के साथ सेल्फी ले रहे हैं। सेल्फी का शौक आजकल सभी को है। और आइए चलिए देख लेते हैं एक और सेल्फी, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सेल्फी ले रहे हैं अपने फैंस के साथ। फैंस उनके मोबाइल में भी ले रहे हैं, फैंस अपने मोबाइल में भी ले रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी अपने मोबाइल में भी ले रहे हैं। तो ये कुछ हमारे सेल्फी का शौक़ सभी को है, थोड़ा थोड़ा तो सभी सेल्फी लेते हैं। और आइए देख लेते हैं कुछ अलग अलग तरीके के सेल्फीज़ जो लिए गए हैं। ये देखिए, स्काई डाइविंग करते वक्त सेल्फी लिया गया है।
और आप देख सकते हैं कि ये सेल्फी जो है वो भी ऊपर से काफ़ी हाइट से लिया गया है, लग रहा है चट्टानों के ऊपर से लिया गया है। और ये सेल्फी आप देख सकते हैं काफ़ी हाइट से लिया गया है, एक टावर पे चढ़कर ये सेल्फी लिया गया है। तो इस तरह से काफ़ी ख़तरनाक सेल्फी लिए गए हैं। और साथ ही साथ मैं अभी ये देख सकते हैं आप ऊपर उड़ते हुए सेल्फी लिया गया है, ये भी एक हेलीकॉप्टर या फिर हवाई जहाज़ के थ्रू आप देख सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सेल्फी लिए गए हैं। अभी हमारे इसरो से 104 सैटेलाइट ऊपर लॉन्च किया गया है स्पेस में, जिसमें लगा हुआ कैमरा लगातार हमको हमारे पृथ्वी का सेल्फी खींच के दे सकता है। तो आज ही उसका सेल्फी आया है, मैं उसको भी आपको दिखा दूं कि ये सेल्फी जो है वो लगातार हमको पृथ्वी का सेल्फी खींच के देता रहेगा। तो इसरो को इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। और यही लास्ट में कहना चाहूँगा कि आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सेल्फी लें मगर संभल कर, और साथ ही एडिक्टेड भी ना हो ज़्यादा सेल्फी लेने का। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखते रहें सीखो और समझो यूट्यूब चैनल, और कुछ नए नए चीज़ों के बारे में जानते रहें, नए टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।